प्रणाम। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? द्वारका। द्वारका दरियान का थे। किस लिए जा रहे? भगवान ना दर्शन करवा। और होली मनाने जा रहे? होली तो उधर करनी है तो करनी है, नहीं करनी है ना तो घर वापस आ जाओ। अच्छा अच्छा, तो पैदल जा रहे हैं? राजकोट से। पैदल कितने? राजकोट से 200 किलोमीटर। आप राजकोट से आ रहे हैं? राजकोट का रहने वाला हूँ। संग में है? संग। एक बार जोर से बोल देना, आप कहाँ से? राजकोट से। राजकोट से आते हैं। और कितने कितने दिन में आए हो अभी? 8 दिन चलेंगे, 9वें दिन पहुँचाएंगे। आप भी राजकोट से? सब राजकोट से। 9 दड़ा। फिर खाना पीना सब? हाँ, चलिए चलिए। थैंक यू। रोटी है ना? हाँ, खाना मिलता है। ओके चलिए, हाँ मैं आऊँगी। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका। मतलब यहाँ से तो द्वारिका बहुत दूर है ना, तो कैसे जा रहे मालूम है? पढ़ाई में द्वारिका जी तो बहुत प्रेम। तो पैदल कितने दिन में पहुँचते हैं आप लोग? ऐसे निकलते हैं 8-10 दिन में पहुँच जाते हैं। और फिर रात को कहाँ रुकते हैं या चलते ही जाते हैं? जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पे रुकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हर साल जाते हैं आप लोग? हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं? प्रत्येक वर्ष जाते हैं? और खाना पीना सब? तो क्यों ऐसे हर साल, मतलब कोई नियम है? द्वारका जिसको प्रेम है। होली मनाने के लिए वहाँ पे फिर सब लोग मिलके, सब लोग मिलके वहाँ होली मनाते हैं। मजा आवे। चलिए जय जय द्वारिका देश। थैंक यू। सब द्वारिका जा रहे? तो पैदल पैदल थकते नहीं हो इतना दूर? नहीं थकते नहीं, क्यों थकती? और फिर रात को रुकते हैं उधर? रात को 3 बजे चलते। 3 बजे? और फिर 3 बजे तक रुके रहते? नहीं चलते रहते। चलते रहते। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप हम सूरत। सूरत से आ रहे हैं? कितने दिन में यहाँ जामनगर पहुँचे? हम 8-10। 8-10 दिन से चलते आ रहे हैं आप भी? आप लोग की भक्ति देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ जाकर एक दिन में वापस आ जाते हैं द्वारिका से? दो दिन वहाँ रुकते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पे क्या होता है? वीडियो मतलब कुछ प्रोग्राम होता है? कैसे? जय द्वारिका। जय द्वारिका दी। जय द्वारिका दी। जय द्वारिका दी। दोस्तों ये लोग लगातार चलते ही जा रहे हैं, कोई सूरत से कोई राजकोट से। तो ये कहाँ आराम करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ खाते हैं, तो अभी हम ये जानेंगे। यहाँ इनके बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं बीच बीच में, और वहाँ पे इनको कुछ सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे स्टॉल पूरे रास्ते में बने होते हैं आधे आधे किलोमीटर पे, और इनको यहाँ पे आराम की व्यवस्था की हुई होती है, जहाँ पे इन्हें खाने पीने का और आराम करने का स्थान दिया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह तैनात हो गए इनकी सेवा में। दोस्तों अगर आप भी द्वारिकाधीश से इतना ही प्रेम करते हैं, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।